हम बनाएंगे राम मंदिर। संतों के बीच ये बहस छिड़ गई है। परम धर्म संसद खत्म हो चुकी है और विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद आज से शुरू हो रही है। लेकिन कितने गंभीर हैं उसको लेकर संत। हमारे साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं। कल आपकी धर्म संसद खत्म हुई है, आज एक फिर से शुरू हो रही है। ठीक है, उनका विषय क्या है, किस विषय पर वो विचार कर रहे हैं? राम मंदिर। हम लोगों ने तो एक विषय नहीं, अनेक विषयों पर विचार किया है। हमारी जो धर्म संसद चली है उसने जितने भी धर्म संबंधी विषय हैं सब पर विचार किया है। गोहत्याबंदी पर विचार किया है, भ्रष्टाचार पर विचार किया है, जो धर्म विरोधी कानून बन रहे हैं उन पर विचार किया है, जो मनुष्य जो हमारे भारत में विवाह की संस्था है उस पर विचार किया है, उसी तरह से राम जन्मभूमि पर भी विचार किया है। महाराज जी, इस पर भी विचार क्यों नहीं कर लेते कि ये जो धर्म संसद है इस पर भी थोड़ा विचार कर लीजिए? ऐसा है कि हम लोगों ने विचार किया है, इस धर्म संसद में सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि आप भगवान राम को भगवान मानते हैं कि एक मनुष्य मानते हैं? क्या मानकर आप सोच रहे हैं? अगर आप मनुष्य मानते हैं तो आप पुतला बनाएंगे, और भगवान मानते हैं तो मंदिर बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मंदिर हमारी समस्या नहीं है, जन्मभूमि का मंदिर हमारी समस्या है। क्योंकि अयोध्या में अनेक मंदिर अभी भी हैं, जैसे कनक भवन है, वहाँ हम लोग दर्शन करते हैं, और जितने आश्रम हैं वहाँ सबके आश्रमों में मंदिर हैं, उनकी पूजा अर्चा होती है। लेकिन जो स्थान, जो महत्व जन्मभूमि का है वो और मंदिरों का नहीं है। जैसे महात्मा गांधी के अनेकों स्मारक बने हुए हैं जहाँ तहाँ, लेकिन पोरबंदर में जहाँ उन्होंने जन्म लिया उसका स्थान तो राजकोट का नहीं ले सकता। इसी तरह से जन्मभूमि का स्थान को नहीं ले सकता। तो अब इनकी जो नीति है, जैसा कि केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो अधिकृत भूमि है वो उनके स्वामियों को लौटा दी जाए ताकि विवादित भूमि पर मंदिर बन सके, इसका मतलब है जन्मभूमि को उन्होंने विवादित मान लिया। महाराज जी, धर्मदास जो कि पक्षकार हैं राम मंदिर के, वो कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो मंदिर कैसे बन जाएगा? आप अयोध्या कूच भी करेंगे तो कैसे ईंट रख लेंगे? तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो पूरी ही नहीं हो सकती, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है कि यदि हम लोग मांग नहीं करेंगे तो जनता कैसे समझेगी और सरकार कैसे समझेगी? आखिर अगर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो योगी सरयू के किनारे एक बहुत बड़ा पुतला 185 मीटर ऊंचा बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, 3,000-3,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च करेगा, वो हो जाएगा। और अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये लोग राम जन्मभूमि के बाहर कहीं और जगह मंदिर बना देंगे, वो कहेंगे हमने मंदिर बना दिया। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग बताएं कि मुख्य समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और जहाँ तक उनकी बात है महंत जी की, हम लोग उनके विरोधी नहीं हैं। हम लोग अगर मंदिर बनता है तो उन्हीं को पुजारी बनाएंगे। उनका तो मांग यह है कि हमको उसकी चढ़ोतरी मिलनी चाहिए, तो हम उसकी चढ़ोतरी की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। उनके काम के लिए, उनके इष्ट देवता की जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा स्वार्थ क्या है जो वो हमारा विरोध कर रहे हैं? महाराज जी, हंस देवाचार्य कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, सोनिया गांधी से आपके अच्छे ताल्लुक हैं इसलिए आप उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारे ताल्लुक जितने भी हिंदू हैं सबसे बहुत अच्छे हैं,
हम इस दृष्टि से देखते ही नहीं है कि कौन किस पार्टी का है। पार्टियां तो बदलती रहती हैं, कोई कभी कांग्रेस में रहता है, कभी भाजपा में रहता है। अब समझिए विजय बहुगुणा जो थे, पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा में हैं। तो अब हम व्यक्ति की पार्टी की दृष्टि से देखें कि उनके हिंदुत्व को देखें। महाराज जी एक बात और, कि अगर मान लीजिए 4.5 साल के बाद जो बीजेपी को राम मंदिर की याद आई है, तो आपको लगता नहीं कि जैसे ही सत्ता पर आए थे वैसे ही राम मंदिर को लेकर ये याचिका दायर करते? उसी समय ही कार्य योजना बनानी थी कि हमको करना क्या है। 2019 चुनाव सामने हैं, तो अब राम मंदिर रामलला की याद फिर बीजेपी को आ रही है। आपको लगता नहीं कि राजनीति हो रही इस पूरे मसले पर? सब विषयों में ये फेल हो चुके हैं। जो जो बातें इन्होंने कही थी वो सब कोई पूरी नहीं हुई। तो अब ये सोचते हैं कि राम मंदिर की बात उठाकर हम फिर से सत्तारूढ़ हो जाए, और जिस तरह से मनमानी पहले 3-4 वर्षों में करते रहे, आगे भी करते रहे। और दूसरी चीज़ आपको बता रहे हैं वो ये है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या और कोई हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। तो जब भी किसी पार्टी इस हैसियत में आएगी तो उसने संविधान की शपथ लेनी होती होगी, और संविधान जो है धर्म निरपेक्ष है, तो सरकारें कैसे मंदिर बनाएंगी? ये एकदम धोखा देते जा रहे हैं। तो महाराज जी फिर ये याचिका भी धोखा है? बिल्कुल धोखा है। आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप इस याचिका के द्वारा जमीन वहाँ से लेकर जो इनका न्यास है, जिसने ईंटा भुजवाई थी, जिसने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, तो इन्हीं लोगों ने तो कार सेवा के द्वारा वहाँ ढांचा तोड़वाया था जो हमारा मंदिर था, तो ये एक साजिश है। महाराज जी आप अयोध्या कूच करने वाले हैं, किसी ने रोका तो कुछ तैयारी है आपकी? हमारी क्या तैयारी, हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। हमको जो अगर दंडित दिया जाएगा तो हम दंड सहेंगे। महाराज जी एक सवाल और, ये जो धर्म संसद चल रही है, वहाँ के लोग आएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, आप जाएंगे? हमको वो आमंत्रित करेंगे ही नहीं, अगर हम करेंगे तो वहाँ जाने पर उनका सब काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम अगर ये पूछेंगे कि तुम राम को मनुष्य मानते हो कि भगवान मानते हो, किसी को उत्तर वो नहीं दे पाएंगे। तो ये तो भारत के संतों में आप जैसे शंकराचार्य में विवाद की स्थिति हो गई, तो धर्म में ऐसा विवाद फिर कहाँ रामलला की बात हो रही है? ये तो विवाद हो गया ना स्वामी जी। ऐसा देखिए, जो व्यक्ति ये कहेगा कि राम जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगह मंदिर बना लो, वो धर्म धार्मिक कहाँ है? महाराज जी अंतिम सवाल, राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा? वो भी नहीं बना सकते। कोई भी पार्टी, हमने आपको बता दिया कि मंदिर मस्जिद का निर्माण राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकती, उस धर्म के जो आचार्य लोग हैं और अनुयायी हैं वो मिलकर बनाएंगे। तो ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में बुलाया ही नहीं जाएगा, और अगर बुलाया गया तो पहला प्रश्न होगा कि राम को भगवान मानते हैं या व्यक्ति। शंकराचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि सरकारें मंदिर नहीं बना सकती हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या फिर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री भले ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन मंदिर का निर्माण सरकारें नहीं कर सकती। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज प्रयागराज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।